ओम शांति। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दिया है। माना अगर हम किसी के प्रभाव में आकर अपना पहनावा बदल रहे हैं ना, तो फिर आप गए काम से, क्योंकि वो आपको कभी भी मॉडिफाई कर सकता है, वो आपको कभी भी गिरा सकता है, क्योंकि आपने अपने आप को ही किसी को हवाले कर दिया। जो एक दूसरे के प्रति ऐसे कर देते हैं ना कि हाँ भाई, अरे हमारे दोस्त को अच्छा नहीं लगेगा, अरे हमारी सहेली को अच्छा नहीं लगेगा, अरे उसको अच्छा नहीं लगेगा, आप अपना पहनावा किसी की वजह से बदला ना करो। तो अपना देश, अपना वेश नहीं बदलना चाहिए, ओके? अपना रहन सहन, अपनी पहरवाइश आदि सब बदल दिया है, देश वेश ही बदल दिया है, यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। तो ये अपने धर्म की इंसल्ट करने जैसी बात है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए, इसको कहा जाता है अति दे अभिमान। वे फिर कभी ज्ञान उठा ना सके, क्योंकि जो शरीर में ही बंधे रहते हैं कि हमें ऐसा बनना है, हमें ऐसा दिखना है। अपने लिए तो आप स्वच्छता से ही रहो तभी अच्छे दिख सकते हो। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल रहो, बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी दे अभिमान आता है। माना जैसे कहते हैं ना, अरे मेरी तो साड़ी जो है बड़ी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, कपड़ा ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ऊंची साड़ी पहनने से भी दे अभिमान आता है। दे अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज दे अभिमान में लाती है कि मेरे पास तो स्टैंडर्ड की चीज होनी चाहिए, मेरे पास तो ये होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। ये आपके अंदर दे अभिमान जगाती है और आपको पता भी नहीं चलता कब आप दे अभिमान में आ गए, और उसके चलते आप किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। तुम इस समय वनवा में हो ना, तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। अब कहीं कहते क्या करूं, मेरे घर वाले ना मुझको ऐसे कहते, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो। तो तुम अंदर से अच्छे रहो, स्वच्छ रहो, साफ चिंतन वाले बनो, तो हर एक को अच्छे ही लगोगे। ये तो अपनी दिल होती है, क्या करे, बच्चे मानते नहीं, कहते अच्छा स्टैंडर्ड का लो ना, और साथ में ही देवी माना जाता है, वो भी स्टैंडर्ड का। किस तरह से रहना है उस पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। कोई ये सोचे मैं वानप्रस्थी नहीं हूं, तुम भी वानप्रस्थी। देखो शरीर अगर छूट जाए तो क्या पढ़ाइयां, तो क्या कुछ। इसलिए जितना समय अपना बाबा की याद में रहे तो अपना कमाई भी हो सके। अगर कोई पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इस पढ़ाई को भी अपने साथ साथ लेके चले तो कमाई भी हो सके। तो शिव बाबा की याद में रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना, क्योंकि वानप्रस्थी तो सब है, तो कब किसका नंबर आ जाएगा क्या पता। तो बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, ओम शांति।